हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन पॉलिटी से वाइस प्रेसिडेंट। आज हम इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री PDF ई-बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। इसका करेक्ट आंसर है बी, इन राज्यसभा ओनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम इस ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 64। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इवेंट ऑफ अ वैकेंसी caused by the resignation, death or impeachment of the serving president. इसका करेक्ट आंसर है बी, 6 months. चलिए नेक्स्ट। Who among the following was the inaugural holder of the office of the vice president of India? इसका करेक्ट आंसर है डी, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्ट 5th। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। का करेक्ट आंसर है सी, 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर है सी, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज द फाइनल वर्ड ऑन द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी इयर्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ
वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस। द करेक्ट आंसर है बी हामिद अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है सी यूएसए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर है बी ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कॉन्टेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लॉस्ट द इलेक्शन वॉज। द करेक्ट आंसर है सी भैरव सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेवंथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बी आर वेंकटरमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल विच ऑफ द क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। सेकंड ही शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड ही शुड नॉट हैव एवर हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स बिलो। करेक्ट आंसर है ए ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसका करेक्ट आंसर है सी बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय मेजोरिटी एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट। जगदीप धनखड़ हैज बिकम द विच नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर है सी 14। चलिए नेक्स्ट। हु वाज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका करेक्ट आंसर है सी वेंकैया नायडू। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर है बी कृष्णकांत। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ईबुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी PDF ईबुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और MCQ क्वेश्चंस और अलग से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।